तो हम लोग आज फिर से आ गए हैं और आज हम लोग सेकेंड वीडियो शुरू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का। इसमें मैं आज चार मैकेनिज्म लेके आया हूँ, जिसमें एक पहला मैकेनिज्म है बाई मॉलिक्यूलर, ध्यान देंगे ज़रूर, बाई मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, ठीक है, ऑफ अल्कोहल्स। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में आपको मिलेगी ये रिएक्शन, ये प्राइमरी अल्कोहल्स की रिएक्शन है, तो आप लोग देख लेंगे इसे। दूसरी रिएक्शन जो मैं लेके आया हूँ वो है एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। पिछली वीडियो में एल्कीन का मैंने बताया था, यहाँ पे एल्डिहाइड्स का बताऊँगा, पेपर में पूछा जाता है एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अगर आप ये लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, और यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड्स में मैं सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन लेके ही चलेंगे। बेसिकली मैंने ये वीडियो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए बनाई है। और तीसरी रिएक्शन जो हमारी होगी इसके साथ में वो होगी डाइएजोटाइजेशन, जिसमें से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डाइएजोनियम कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, तो हमने डाइएजोटाइजेशन की वीडियो बना रखी है, बनाएंगे। और फोर्थ जो हम यहाँ पे मैकेनिज्म लेके आएंगे वो है कार्बिलेमाइन रिएक्शन, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, कार्बिलेमाइन रिएक्शन, इसी को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे होती है, ये हम लोग का टॉपिक है। तो हम लोग ये चार रिएक्शन आज इसकी वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वाली जो होगी उसमें एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जैसी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएंगी। तो पहली रिएक्शन देखते हैं हम लोग। पहली रिएक्शन हमारी है बाई मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हमारी पहली रिएक्शन है, फटाफट देखेंगे हम लोग। सबसे पहले डिहाइड्रेशन का मतलब जानते हैं हम लोग कि रिमूवल ऑफ वाटर होगा, तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कह सकते हैं, उसको हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये रिएक्शन ओनली फॉर प्राइमरी अल्कोहल है, केवल प्राइमरी अल्कोहल के लिए रिएक्शन होगी। रिएक्शन का ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एसिड लेंगे, यानी कि रिएक्शन होगी कुछ ऐसे। सबसे पहले एसिड लेंगे H2SO4, इसको हमने H+ और HSO4- में आयनाइज कर लिया, ब्रेक कर लिया है। इसके बाद हम ले लेंगे अल्कोहल, ठीक है, और याद रखिए यहाँ पे अल्कोहल हमें एक्सेस में लेना है, तो उसका यूज अभी आपको समझाएंगे। यानी एक्सेस का मतलब कि हम दो मॉलिक्यूलर, यहाँ पे आप देखिए ज़रा, बाई मॉलिक्यूल का मतलब होता है टू मॉलिक्यूल्स, तो हम यहाँ पे अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स लेके रिएक्शन कराएंगे। पहले एक मॉलिक्यूल लेते हैं CH3CH2OH, हमने जो है एथेनॉल लिया है, ठीक है, ये लोन पेयर है ऑक्सीजन पे। इसकी रिएक्शन हम लोग इस H+ से कराएंगे, ठीक है, तो लोन पेयर दिया जाएगा। कल की भी वीडियो में आपने देखा था कि H+ के साइन को ख़त्म करने के लिए, प्लस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए लोन पेयर दिया जाता है। जैसे ही H+ लिया जाएगा ये H वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, यानी इट विल फॉर्म CH3CH2, ध्यान देंगे OH चल रहा है, OH से ये H ऐड हो गया और प्लस चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का प्लस चार्ज अच्छा नहीं है, कार्बन से इस बॉन्ड को ले लिया जाएगा, और देखिए H और दूसरा H, H और O आप देख पा रहे होंगे H2O बना के बाहर हो जाएगा। OH2 पॉजिटिव एक बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप है, आप लोगों ने लिविंग ग्रुप्स पढ़े हैं तो एक काफ़ी ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। H2O बाहर हुआ, देखिए बच्चों डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ बचा क्या CH3
और CH2O बच्चों चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, CH3CH2 कार्बोकैटायन जो बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज, इसकी रिएक्शन हम लोग अगेन CH3CH2, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया जाए, इसको मैं C2H5 लिख दे रहा हूँ, C2H5OH, ये भी अल्कोहल है बच्चों, सेकेंड मॉलिक्यूल हम ले आए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर फिर इससे इस कार्बन को देंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा CH3CH2, इससे अटैच हो जाएगा O, जिस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इस O से ऑलरेडी अटैच है H और इससे अटैच है C2H5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, इस H से वापस ले लिया जाएगा बॉन्ड और ये फॉर्म हो जाएगा C2H5, ये CH3CH2 को मैंने लिख दिया O C2H5। अब आप लोग जानते हैं कि ये ईथर बन गया है, ठीक है, और साथ में H प्लस हो गया रिमूव, ये वही H प्लस है जो हमने यहाँ पे एसिड से एज ए कैटलिस्ट लिया था, इसको फिर से हम लोग वापस कर देंगे। तो ये हमारा एक मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, इसमें मैं पेज ऐड कर देता हूँ, एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, सेकेंड पेज से ही शुरू हो गया था, तो अब हम लोग दोबारा से ठीक है, ओके बच्चों दिन, अब हम लोग एक सेकंड, ठीक है, थैंक यू। अब देखिए बच्चों, वेट करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ आप लोगों को, 2 मिनट हम लोग ख़राब चला गया, बट कोई नहीं। अगली रिएक्शन जो हमारी है वो है एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, और किस चीज़ का, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, ये सब पेपर में पूछी जाने वाली रिएक्शन है बच्चों, ये है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, आप यहाँ एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू, मैं यहाँ पे एल्डिहाइड्स लेके चल रहा हूँ, आप यहाँ पे कीटोन्स भी ले सकते हैं, इसका जो प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा इस रिएक्शन का, वो होगा हेमी एसिटल, ठीक है। अगर आप कीटोन लेते हैं, अगर आप एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन लेते हैं, तो कीटोन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हेमी कीटल, मैकेनिज्म सेम रहेगी, उससे आपको घबराना नहीं है। रिएक्शन देखते हैं हम लोग, तो आप लोग फिर से देख लीजिए, रिएक्शन देखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए, देखिए ये है एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने कराई एक अल्कोहल से, यहाँ पे मैंने ले लिया है एसिड, आप ये जान लीजिए कि ये बेस पे भी होता है, और हम यहाँ पे सिर्फ एसिड की बात करेंगे, अगली रिएक्शन में अगर समय मिलेगा तो बेस कैटेलाइज्ड भी आपको बता दिया जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा OH और यहाँ पे H, दिस इज हेमी एसिटल। इस रिएक्शन की ही मैकेनिज्म हमें पढ़नी है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एसिड के लिए हमने HCl ले लिया, HCl को आयनाइज कर देंगे हम लोग H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है।
अब यहाँ पे हम ले रहे हैं एल्डिहाइड, स्टेप वन है ये। आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच आर सी एच ओ आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए। यहाँ पे हमने H प्लस लिया। बच्चों H को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन, ठीक है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा प्रोटोनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स, ठीक है, तो ऑक्सीजन इस प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए अपने लोन पेयर इस H को देगा और ये H अटैच हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा R C। अब यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ध्यान देंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद। डबल बॉन्ड ओ लग गया, इस पे एच अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन पे हो गया प्लस चार्ज। चार्ज का बहुत ध्यान रखेंगे किस तरह से चार्जेस लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिस पे प्रोटॉन लग गया है। अगर यही कीटोन होता तो इस एच की जगह पे आर होता, ठीक है। अब सेकंड स्टेप देखिए, हम लोग ले आएंगे ये प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एच चल रहा है, चलने दिया। साथ में हम ले आएंगे यहाँ पे अल्कोहल, ये एल्डिहाइड था जस्ट इन केस इफ यू आर मिस्ड, और ये हो गया हमारा अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपने पास शिफ्ट कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे हल्का सा प्लस चार्ज डेवलप हो गया, उस प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो बनेगा आर सी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे एच, और यहाँ पे ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से आर ऑलरेडी अटैच्ड है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन से एच भी ऑलरेडी अटैच्ड है। ऑक्सीजन पे आ गया है प्लस चार्ज बिकॉज इसने लोन पेयर दिया था, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, तो क्या होगा, आर, कार्बन पे OH पहले से चल रहा है, कार्बन पे H पहले से चल रहा है, ये ओ आर हो जाएगा बच्चों, और साथ में एच प्लस हो जाएगा रिमूव। जब वो अपने बॉन्ड को वापस करेगा तो एच प्लस हो जाएगा रिमूव। ये वही एच प्लस है जो हमने यहाँ पे एसिड से उधार लिया था। अगेन हमारा प्रोडक्ट मिल गया जिसका नाम है हेमी एसिटल। आई थिंक ये पेन ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, राइटिंग इससे अच्छी नहीं आ रही, तो थोड़ा सा पेन हम लोग चेंज करके देखें। या दिस वन इज़ गुड ना, ये अच्छा। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारी थर्ड, थर्ड रिएक्शन हमारी होगी जो कि हमने आप पहले ही आपको बता दिया। बहुत सारे बच्चों को डाइजोनियम कंपाउंड बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोग डाइएजोटाइजेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। डाइएजोनियम कंपाउंड क्या होता है कि एल्किल या फिर बेंजीन रिंग के साथ N2Cl पॉजिटिव, N2Cl पॉजिटिव कंपाउंड बनाना, इसी को हम लोग कहते हैं डाइएजोनियम कंपाउंड। एक रिएक्शन ले लेते हैं पहले, तो रिएक्शन में हमने एनिलीन लिया है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे अमाइन, इसको हम लोग बेंजेनेमाइन या फिर एनिलीन भी कहते हैं। अगर इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराई जाए, इन दोनों के कॉम्बो को हम लोग HNO2 भी कहते हैं, नाइट्रस एसिड कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो ये बनता है
बेंजीन रिंग पे N2Cl पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली Cl पे नेगेटिव आ जाएगा और साथ में H2O हो जाता है बाहर। ये पेन बहुत अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो इसी से बनेगी अब, ठीक है। ये रिएक्शन होगी, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे ज़रा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप लोग देखिए, सबसे पहले इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए, NaNO2 को NaNO2 की रिएक्शन अगर हम HCl से कराएंगे तो ये बनाएगा HNO2 और साथ में NaCl। अच्छा, इस HCl को एक्सेस में ले लीजिए, ठीक है। ये HCl जो है हमें H प्लस देगा, इट विल गिव H प्लस यानी प्रोटॉन आयन, ठीक है। अब इस HNO2 की रिएक्शन इस H प्लस से करा दीजिए, ध्यान देंगे HNO2 को ऐसे लिखा जाएगा HONO, ये HNO2 ही लिखा गया है, ब्रैकेट में मैं लिखते रहा हूँ HNO2। इसकी रिएक्शन हमने H प्लस से कराई। देखिए मैं आपको वो कंपाउंड बना के दिखा रहा हूँ, वो ग्रुप बना के दिखा रहा हूँ जिससे डाइजोनियम हैलाइड बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये लोन पेयर, ऑब्वियसली देखिए मैकेनिज्म, किसी मैकेनिज्म का प्रोसेस देखिए कि वो मैकेनिज्म की कैसे जाती है। ये हो जाएगा H O, O के साथ अब H अटैच हो गया और चूंकि इसने लोन पेयर दिया तो इस पर हो गया चार्ज, साथ में N चल रहा है, N के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चल रहा है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगा और H2O पे पॉजिटिव या OH2 पे पॉजिटिव एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और ये H2O बना के हो जाएगा बाहर, लेकिन साथ में हमारा बनेगा क्या, N डबल बॉन्ड O और O पे लोन पेयर है और यहाँ पे हो गया है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने बॉन्ड दिया है, इसने बॉन्ड दिया है। अब इसको देखिए, एक काम करते हैं, इस H2O को यहाँ पे हम माइनस का H2O लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए लोन पेयर इनको दिया जाएगा, तो अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड पहले से था, लोन पेयर देने पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, देखिए ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक। O और O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, वेरी रिएक्टिव होता है और स्टेबल भी ज़्यादा होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए इस नाइट्रोसोनियम, अब हम लेंगे एनिलीन, हमने एनिलीन लिया NH2, N के पास लोन पेयर है एक, इसकी रिएक्शन हमने कराई नाइट्रोसोनियम आयन से, प्लस चार्ज को ख़त्म करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, हम लोग इस बॉन्ड से वापस से शिफ्ट करेंगे, अगेन पॉजिटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर मिल जाएगा नाइट्रोजन को और नाइट्रोजन से नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा रिंग, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ बनाते हैं। N चल रहा है, N पे H चल रहा है, यहाँ भी H चल रहा है, N से दूसरा वाला N अटैच हो गया, ये वाला N अटैच हो गया, इससे डबल बॉन्ड O अटैच है, इस N ने लोन पेयर दिया था तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये रिमूव हो जाएंगे वाटर बना के, यानी माइनस का H2O, और ये बन जाएगा बेंजीन रिंग, इस पे N
और एन के साथ ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। और इसके साथ ही याद करिए, यहाँ पे Cl भी तो होगा, ये जब H प्लस आयन होगा साथ में Cl माइनस आयन भी बना होगा, आगे चल के ये Cl माइनस इससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और इट विल फॉर्म बेंजीन रिंग पे N, N एंड Cl और इस पे पॉजिटिव चार्ज। दिस इज डाइएजोनियम हैलाइड। पेपर में आप इतना भी बना के दिखा देंगे, डाइएजोनियम आयन भी बना के दिखा देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। पूरा नाम होगा बेंजीन डाइएजोनियम, ठीक है बच्चों। अब लास्ट मैकेनिज्म, छोटी मैकेनिज्म, वीडियो लंबी होने से बचने का उपाय। तो फोर्थ हमारी रिएक्शन है कार्बिल एमाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म हमें देखनी है, आप लोग रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन में देखिए, मैंने एमाइन लिया है, RnH2 प्राइमरी एमाइन है, और इसकी रिएक्शन हमने CHCl3 से यानी कि क्लोरोफॉर्म से कराई, साथ में 3 times KOH यूज किया। तो थोड़ा सा हीट देने से क्या होगा, RnC जिसको हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड, पंजेंट स्मेल होती है इसकी। देखिए आपको यहाँ पे रिएक्शन नहीं पढ़ाई जा रही, सिर्फ मैकेनिज्म बताया जा रहा है, साथ में पोटेशियम क्लोराइड और थोड़ा सा वाटर, ये हमारी रिएक्शन है। और इसी रिएक्शन का हम सॉल्व करेंगे मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म ज़रा, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं CH और Cl3, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम KOH से कराते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ एक KOH यूज कर रहे हैं, सिर्फ 1 KOH, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए बच्चों, एक पोटेशियम एक क्लोरीन लेके बाहर जाएगा, यानी दिस विल फॉर्म KCl। दूसरा H दूसरे Cl को लेके बाहर जाएगा, या फिर ऐसा करिए, सॉरी, इस H को OH के साथ बाहर कर दीजिए, यानी कि वाटर बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो बचा क्या, एक क्लोरीन गया, अब कार्बन के साथ, देखिए कार्बन के साथ 2 क्लोरीन बचे हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है बच्चों 4 की, इसकी 2 वैलेंसी सिर्फ पूरी है, ठीक है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, याद रखना ये लोन पेयर नहीं है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन। और इस ग्रुप को हम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, इसे कहेंगे डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। याद रखेंगे ये लोन पेयर नहीं है। अब हम यहाँ पे लाएंगे अपना प्राइमरी एमाइन यानी RnH2 विच हैज़ लोन पेयर। इसकी रिएक्शन हमने CCl2 यानी डाइक्लोरोकार्बीन से कराई। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एंड इट विल फॉर्म कुछ ऐसा RN। N के पास H चल रहा था, एक और H चल रहा था, इसने लोन पेयर दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, हालांकि कंपाउंड बनाते समय हम लोग दिखाते नहीं इसे, ये Cl ये भी Cl, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट का कार्बन ये है। चूँकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे क्या होगा कि अब हमें ज़रूरत पड़ेगी बाकी के 2 times KOH की, क्योंकि ध्यान रखिए हमने यहाँ पे
थ्री के ओ एच यूज किया था, एक के ओ एच हमने यहाँ पे खर्च कर दिया, एक के ओ एच हमने यहाँ पे खर्च किया, बाकी का दो के ओ एच हम लोग यहाँ खर्च करेंगे। अब होगा क्या, दो ठे पोटेशियम दो क्लोरीन को लेके चला जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस का 2KCl, और दो ठे ओ एच दो ठे हाइड्रोजन साथ चला जाएगा, यानी माइनस का 2HOH। आप इसको कंबाइंड माइनस का 2HCl ही लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा, देखिए इस पे तो माइनस चार्ज है क्योंकि इसने लोन पेयर लिया, ठीक, तो बचा क्या, देखिएगा ध्यान से, R चल रहा है यहाँ पे, R चलने दिया, R के साथ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन चल रहा है, चलने दिया, नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड कार्बन चल रहा था, इसको सिंगल बॉन्ड की तरह से मैं ट्रीट करूँगा, और उसके बाद नाइट्रोजन की दो वैलेंसी खाली और कार्बन की भी दो वैलेंसी खाली, तो ये दोनों आपस में एक बॉन्ड और बना लेंगे, मगर ध्यान रखें कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था तो इस पे प्लस और इस पे माइनस बना रहेगा। हालांकि इसको हम लोग आर एन सी लिख देते हैं, जो कि है आइसो साइनाइड। तो इसी के साथ बच्चों आप लोगों का चार रिएक्शन की मैकेनिज्म फिर से कंप्लीट हो गई, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप लोग जानते हैं कि क्या करना है, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पेपर दें, और आप पूरी प्लेलिस्ट देख के जाइएगा बच्चों एग्ज़ाम से पहले, गारंटीड इससे क्वेश्चन फंसेंगे, और फिर वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू बच्चों।